आ रही है कि एक बस में धमाका हुआ और ये एक आतंकवादी हमला। घर पे पुलिस पहुंच रही है तुम्हारे, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुमसे बात कराने को। क्या हो गया तुम्हें शाहिद? खैर आ जाओ बेटा, अभी नहीं आ सकेंगे हम। हम लड़ाई पर निकले हैं अपने मजहब के लिए। खुदा हाफिज़। हम अरेस्ट करें, करीब दो घंटे में कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। आप कौन? मैं इनकी लॉयर हूँ। एक्यूज्ड बिलाल और इस फैमिली ने एक बच्चे को शहादत के लिए तैयार किया, उसे आतंकवादियों से मिलवाया। इनका पूरा परिवार ही इस आतंकवादी साजिश का हिस्सा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी तक कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं। ये घर है मेरा, क्या कहूंगा मैं अपने आप से कि मैं देशद्रोही हूँ? हम केस यहीं लड़ेंगे। ये धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और बाद में कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता। तो फिर कौन कौन कैसा है ये कौन बताएगा? देखी है आपके घर की दीवार, पाकिस्तानी लिखा है वहाँ। पाकिस्तानी लिखेंगे ना, अगर कुछ घर आज भी पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे बजाएंगे तो। इनके समाज में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो परिवार के किसी एकाध सदस्य को जिहाद के काम पे लगा दिया जाता है। भाईजान को इससे निकाल ले। अब प्यार साबित कैसे किया जाता है? प्यार करके ही ना तुम साबित करो मेरा प्यार मेरे मुल्क के लिए, वरना मैं बहस हार जाऊंगा। बहस हम नहीं हारेंगे। एक आम देश प्रेमी कैसे फर्क करेगा दाढ़ी वाले अली मोहम्मद में और दाढ़ी वाले उस टेररिस्ट में? कैसे साबित करेंगे आप कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं? सच नहीं है क्या? आप उसको गिरफ्तार कर सकते थे? I strongly object your honor. Yes or no officer? Objection your honor. मेरे घर में मेरा स्वागत करने का हक उन्हें किसने दिया? ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका। और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे, तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का।